नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन नाना, और आज के वीडियो से दोस्तों हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में, जिन इंडिकेटर्स की मदद से आप अपनी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा एफिशियंट बना सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जिसमें कि हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जो लोग मार्केट में नए आते हैं या जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है टेक्निकल एनालिसिस की या टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल करके मार्केट को एनालाइज किया जाता है। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशनल रहेगी जिसमें कि हम प्रॉपर तरीके से आपको मूविंग एवरेज के इंडिकेटर के बारे में आज बताएंगे, और मूविंग एवरेज की आपको प्रो एंड बेसिक सब तरीके से जानकारी देंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप क्रॉसओवर्स का इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से बेस्ट क्रॉसओवर आप गेट कर सकते हैं और किस तरीके से सबसे बेहतरीन तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग को अंजाम दे सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले जो व्यूअर्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर 50% से ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इससे नुकसान ये होता है कि आगे आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन रह जाती है, उनकी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस बारे में चाहिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात यही है कि मूविंग एवरेज क्या होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि मूविंग एवरेज एक टेक्निकल इंडिकेटर है जिसको स्टॉक मार्केट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक प्रोसेस को यूज किया जाता है जिसमें कि कुछ पीरियड की मूविंग एवरेज इस्तेमाल करके उससे मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज किया जाता है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि इस समय मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस मूविंग एवरेज के अनुसार बाइंग जोन में है या सेलिंग जोन में है। बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस यानी कि तकनीकी विश्लेषण। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की सबसे पहले डेफिनेशन को जान लेते हैं कि क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि एनालिसिस की है, या टेक्निकल एनालिस्ट ने हमें बताया है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने ये फॉर्मूला निकाला है या ये मार्केट के बारे में अपनी राय रखता हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों एक तरीका होता है, जैसे अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो वो होगी अ प्रोसीजर टू एनालाइज द फोरकास्ट ऑफ अ स्टॉक बाय इवेल्युएटिंग इट्स प्रीवियस प्राइस मूवमेंट एंड इट्स प्राइस। यानी कि किसी भी स्टॉक का फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना कि वो आगे भविष्य में बाइंग में जा सकता है कि सेलिंग में जा सकता है, अभी का ट्रेंड क्या चल रहा है, इस सब चीजों की जानकारी लेना उसके प्रीवियस प्राइस मूवमेंट से और करंट प्राइस से। करंट प्राइस तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्राइस अभी उसका चल रहा है। प्रीवियस प्राइस मूवमेंट का मतलब होता है हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा यानी कि पहले इस स्टॉक ने क्या किया है, कहाँ पर था, कितना नीचे गया, कितना ऊपर गया, कितनी तारीख को गया, ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है वो हिस्टोरिकल डेटा के फॉर्म में होती है। और जो हिस्टोरिकल डेटा होता है दोस्तों उसमें हर एक कैंडल का 6 तरीके का डेटा होता है, यानी कि किसी भी स्टॉक प्राइस का ओपन, क्लोज, हाई, लो और वॉल्यूम, और साथ ही साथ टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प मतलब कितने बजे की कैंडल पे कितना हाई लगा, कितना लो लगा, कितने से ओपन हुई, कितने पे क्लोज हुई, ये सारा डेटा जो होता है वो हिस्टोरिकल डेटा होता है। अब इस डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो वही मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम इंडिकेटर के फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज के बारे में आज हम बात करने वाले थे, तो मूविंग एवरेज में क्या होता है कि अलग अलग पीरियड की मूविंग एवरेजेस हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली जो डिफॉल्ट हमारे MT4 या फिर ब्रोकर के चार्टिंग प्लेटफॉर्म या किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर जो बाय डिफॉल्ट आती है वो 14 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है, डिफॉल्ट जो कह सकते हैं हम उसको। तो 14 पीरियड का मतलब हो गया कि जो भी चार्ट हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम मूविंग एवरेज के लिए SBIN का चार्ट यूज कर रहे हैं, तो SBIN का चार्ट अगर हम 5 मिनट में यूज कर रहे हैं तो 14 पीरियड का मतलब है उस 5 मिनट के टाइम फ्रेम की पिछली 14 कैंडल्स का कैलकुलेशन करके और उसको डिवाइडेड बाय 14 करके जो डेटा निकलेगा वो होगा मूविंग एवरेज, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज।
और अगर सिंपल मूविंग एवरेज के अलावा हम और किसी मूविंग एवरेज पर जाएंगे तो अलग अलग तरीके की मूविंग एवरेज होती है, और हर एक मूविंग एवरेज का आपका अलग अलग फॉर्मूला होता है जिसको हम इस्तेमाल करके उसको कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि उस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के हिसाब से मार्केट अप है या डाउन है। तो दोस्तों मूविंग एवरेज का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही आसान है, सिंपल मूविंग एवरेज का फॉर्मूला, जैसे 14 पीरियड अगर हम यूज कर रहे हैं तो पर्टिकुलर किसी भी टाइम फ्रेम की पिछली 14 कैंडल्स यानी कि 14 हिस्टोरिकल डेटा डिवाइडेड बाय 14 यानी 14 करेंगे तो जो डेटा निकल के आएगा अगर वो डेटा करंट मार्केट प्राइस से कम है, यानी कि मान लीजिए 14 कैंडल का डेटा आपका आया 500 और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आपका 505, यानी कि मूविंग एवरेज से प्राइस ज्यादा है 5 पॉइंट, इसका मतलब कि ट्रेंड जो है वो बाइंग का चल रहा है। यानी कि अगर आप ग्राफिकल व्यू में समझने की कोशिश करें तो अगर प्राइस के नीचे मूविंग एवरेज चल रही होती है तो ट्रेंड बाइंग का होता है, और प्राइस के अगर ऊपर मूविंग एवरेज चल रही होती है ट्रेंड जो होता है वो सेल का होता है। इस तरीके से हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस करते टाइम ट्रेंड एनालिसिस हमें बहुत ही ज्यादा फायदा भी पहुंचाती है, क्योंकि अब मान लीजिए आप एक लेमैन हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस कैसे करनी है, तो आपके लिए मूविंग एवरेज कितनी फायदेमंद हो सकती है। जैसे कि आप मान लीजिए आपने टीवी में देखा कि किसी रिसर्च एनालिस्ट ने आपको सजेस्ट किया है कि SBIN को आप परचेज कर लीजिए, और मान लीजिए उन्होंने कहा कि 800 रुपये पे आप इसको परचेज कर लीजिए और 780 का आपका स्टॉप लॉस हो गया और 830 का टारगेट हो गया, इस तरीके से मान लीजिए आपको उन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो अभी क्या है, आप ब्लाइंडली या तो उस पर ट्रेड कर देंगे, ठीक है, उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है क्योंकि आपने ट्रेंड मार्केट का जाना नहीं, आपने सिर्फ ये देखा कि मुझे रिकमेंडेशन मिली है और मैं अब इस पर ट्रेड करूंगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं या मूविंग एवरेज को ही मान लीजिए आप समझ लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप आएंगे चार्ट खोलेंगे, उसमें मूविंग एवरेज अप्लाई करेंगे, और जब मूविंग एवरेज आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर कंफर्मेशन मिलेगी ट्रेंड की, कि अगर मूविंग एवरेज भी आपको कह रही है कि बाइंग का ही ट्रेंड चल रहा है तो आपको आसानी रहेगी उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करने में, क्योंकि आप डबल कॉन्फिडेंस के साथ उसको बाय करेंगे, क्योंकि रिसर्च एनालिस्ट की भी आपको रिकमेंडेशन थी बाय करने के लिए और साथ ही साथ आपको आपका टेक्निकल इंडिकेटर भी बाइंग बता रहा है। वहीं एग्जिट करने में भी आपको आसानी रहेगी, क्योंकि अगर एनालिस्ट ने आपको कहा कि 830 पे आपको निकल जाना है यानी कि 30 पॉइंट का टारगेट, लेकिन अगर मूविंग एवरेज प्राइस बीच में ही घूम जाता है आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन दे देता है कि सेल का ट्रेंड बन चुका है तो आप जल्दी भी निकल सकते हैं, उससे आपको होने वाला लॉस जो कि आपको स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा वहां पर होने वाला लॉस बचाए क्योंकि आप प्रॉफिट में एग्जिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से मूविंग एवरेजेस आपको फायदा पहुंचाती हैं। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज में सिंपल मूविंग एवरेज होती है, इसके साथ साथ आपको अलग अलग और मूविंग एवरेजेस भी मिल जाती हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्मूथ मूविंग एवरेज, लीनियर वेटेड मूविंग एवरेज, इस तरीके की, और डबल ट्रिपल एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, अलग अलग तरीके की आपको मूविंग एवरेज मिलती है जिसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज का फर्क होता है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रेंड को आपको ऊपर या नीचे वो प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको इस चीज समझ में आ जाएगी। सेकेंड चीज क्या होती है, मूविंग एवरेज को हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्रॉसओवर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉसओवर में क्या होता है कि एक मूविंग एवरेज लगाने की बजाय हम दो या दो से ज्यादा मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज के लिए समझ लीजिए कि दो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे, तो दो मूविंग एवरेज में जो पहली मूविंग एवरेज यानी कि जो कम पीरियड की मूविंग एवरेज होती है और दूसरी जो मूविंग एवरेज होती है वो ज्यादा पीरियड की मूविंग, एग्जाम्पल के लिए पहली 14 की हो गई, दूसरी 25 की हो गई, ठीक है। तो जो 14 पीरियड की मूविंग एवरेज है उसको हम कहेंगे फास्ट MA, फास्ट मूविंग एवरेज, क्योंकि वो फास्ट पीरियड की है। वहीं जो दूसरी मूविंग एवरेज है 25 पीरियड की उसको हम कहेंगे स्लो मूविंग एवरेज, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अगर तीन मूविंग एवरेज है तो फर्स्ट टू को हम फास्ट कह देंगे और लास्ट वाली को स्लो कह देंगे। अब इसमें हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसमें ये होता है कि जब आपकी फास्ट मूविंग एवरेज ऊपर है और स्लो मूविंग एवरेज नीचे है और दोनों को बीच में एक इंटरसेक्ट कर रही है, उसके बाद अगली कैंडल जो क्लोज होगी वहां से आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश यानी कि बाय का ट्रेंड शुरू हो जाता है। वहीं सेम अगर फास्ट मूविंग एवरेज नीचे है और स्लो मूविंग एवरेज उसके ऊपर है और वहां के बाद आपको अगर कैंडल क्लोज नीचे होती है प्राइस के मतलब दोनों लाइनों के, तो आपका सेल का ट्रेंड बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको मूविंग एवरेज को एनालिसिस करना होता है। अब ये प्रश्न आता है कि आप किस तरीके से मूविंग एवरेज को लगाएंगे, किस तरीके से देखेंगे और किस तरीके से आप एनालिसिस करेंगे, तो उसके लिए मुझे आपको चार्ट की तरफ ले जाना होगा।
तो आइए दोस्तों, मैं आपको चार्ट की तरफ ले जाता हूं और चार्ट से आपको और बेहतरीन तरीके से और डिटेल्ड वे में मैं आपको समझाता हूं कि मूविंग एवरेज को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे और बेटर और बेस्ट मूविंग एवरेज आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, स्किप कुछ भी मत कीजिएगा, प्रॉपरली देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ पाए। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं। तो अभी आप चार्ट देख रहे हैं, ये है निफ्टी का चार्ट 15 मिनट का। और अब हम चार्टिंग में आपको यहाँ पर इंडिकेटर अप्लाई करेंगे जो कि मूविंग एवरेज का है। यहाँ पर आप मूवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 18 तारीख से आपका मार्केट ऊपर गया और उसके बाद 21 तारीख के बाद ये नीचे आना शुरू हो गया और 22 तारीख को भी डाउन ही है। अब इसमें हम मूविंग एवरेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आप ट्रेंड में मूविंग एवरेज मिल जाएगा। देखिए चार्टिंग के लिए मैं बताऊं कि मैं आपको यहाँ पर MT4 पे दिखा रहा हूँ, आपका मर्जी हो तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हैं, ब्रोकर पैनल जो होते हैं ब्रोकर्स के, वहां पर भी आपको चार्ट दिखाई देता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। मूविंग एवरेज आपको सब जगह मिल जाएगी, क्योंकि मुझे मैं MT4 थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं MT4 इस्तेमाल करता हूँ। तो MT4 में यहाँ पर ये देखिए पीरियड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप डिफॉल्ट 14 पीरियड करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मूविंग एवरेज के प्रकार आ रहे हैं, सिंपल, एक्सपोनेंशियल, स्मूथ, लीनियर वेटेड, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले हम सिंपल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करेंगे। क्लोज प्राइस में जैसे मैंने बताया था आपको कि हर एक हिस्टोरिकल डेटा में आपको क्लोज, ओपन, हाई, लो मिल जाता है, और ये कुछ और ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं जैसे मीडियन, टिपिकल प्राइस, वेटेड क्लोज। तो मतलब आप जो जिस भी प्राइस पे मूविंग एवरेज को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे क्लोज प्राइस पे अप्लाई करना चाहते हैं या ओपन प्राइस पे अप्लाई करना चाहते हैं या हाई प्राइस पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफॉल्ट ये क्लोज होता है, क्लोज ही बेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर आप मूविंग एवरेज को कोई कलर देना चाहें तो कलर दे सकते हैं। बेसिकली मैं चलिए यहाँ पे इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ और इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस कैंडल से, ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश हो गया है। इस कैंडल के ऊपर बुलिश हो गया और प्राइस था आपका 24,823 और बुलिश हो गया मार्केट। उसके बाद कुछ कैंडल्स टच किए लेकिन क्लोज नहीं किया। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है इसका मतलब सेल का ट्रेंड शुरू हो गया, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर आके 24,933, यानी कि आपको अगर यहाँ पर आप मोमेंट को कैप्चर करेंगे तो ऑलमोस्ट 104 पॉइंट्स का आपको निफ्टी में गेन इसने दिया सेल के जोन बनाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सेल जोन बनने के बाद मार्केट ऊपर चला गया और क्लोज हो गया और यहाँ पर फिर अगले दिन आपको सेल का जोन दिखाई दिया और यहाँ पे सेल के जोन आप देखेंगे, सेल के जोन से बाइंग के जोन से जाने तक आपको 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट इसने प्रोवाइड किया। तो इस तरीके से मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड को एनालाइज करने में, ट्रेंड को समझने में बहुत काम आती है, अच्छे से आप समझ सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड्स को भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे बोलिंग सॉरी बाय का जोन आया, बाय के जोन के बाद मार्केट ऊपर गया और ये यहाँ पर आके क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आपको अगर आप ट्रेंड वाइज चलते हैं तो आपको 46 पॉइंट का लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 100 पॉइंट ऊपर भी गया। तो अगर आप एक स्कैल्पिंग मतलब छोटी छोटी ट्रेड्स पे आप अगर निकलना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें, तो भी आप निफ्टी के ट्रेंड को देख के या फिर ऑप्शंस पर्टिकुलर ऑप्शंस के चार्ट को देख के आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आप जो है एक्यूरेसी अगर आपको इंक्रीज करनी है, मतलब छोटे छोटे स्टॉप लॉस टारगेट रखने, तो वह भी आप रख सकते हो या फिर आप ट्रेंड वाइज चल सकते हो। जैसे ट्रेंड वाइज अगर आप चलेंगे तो भी आपको कई बार प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे लॉसेस भी होते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगले ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पर 22 तारीख को सुबह सुबह ही आपको सेल का ट्रेंड मिल गया मार्केट में और अगर आप चाहें तो पुट बाय कर सकते थे इस टाइम पे, और नहीं तो अगर फ्यूचर भी आप सेल करना चाहते थे तो फ्यूचर सेल कर सकते थे, जिसमें कि आपको इस तरीके से अभी देखिए आप 280 पॉइंट्स का यहाँ पर मार्केट ने डाउनफॉल दिया है। तो निफ्टी में आपको 280 पॉइंट के आसपास की मूवमेंट मिल सकती थी, प्रॉफिट मिल सकता था। बेसिकली चीज ये होती है कि आप अपना जो ट्रेड कर रहे हैं वो मैन्युअली करने के बजाय अगर आप एनालिसिस करके करेंगे, ट्रेंड को गेट करेंगे और ट्रेंड की कंफर्मेशन लेके उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपके जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अदरवाइज आप किसी की सलाह पे या किसी के कहने पे ट्रेड करते हैं तो वो एक तरीके से गैम्बलिंग हो गई, जिसमें कि आपको मालूम नहीं है कि आपको
क्या करना है आपको, किसी ने कहा कि आप बाय कर लीजिए सेल कर लीजिए, आप उसके कहने पर अंधाधुंध बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, अपनी खुद की एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार की चीज होती है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, और एनालिसिस के लिए मूविंग एवरेज सिंपल, सोबर और बढ़िया इंडिकेटर है, जो कि सबसे ज्यादा ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा कि जो कोई भी ट्रेडर मार्केट में आता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले वो इसी इंडिकेटर के बारे में सुनते हैं और इसी इंडिकेटर को अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो। इसमें कुछ ही जो है इनपुट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि मैं दोबारा बताता हूँ, पीरियड, उसके बाद यहाँ पर मेथड क्या होगा, सिंपल होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। देखिए अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल करेंगे तो थोड़ा सा चार्ट में मूवमेंट चेंज हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो कि आपको एंट्री और एग्जिट में थोड़ा थोड़ा सा फर्क आ गया है यहाँ पर। उसी तरीके से आप इसको और दूसरे वे में चेंज करते हो, यानी स्मूथ बनाते हैं, तो स्मूथ का फॉर्मूला कुछ और होता है, और उसमें भी आपको आप देखेंगे कि लाइन को जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो गई है। कैंडल्स तो सेम ही है, लेकिन लाइन की फॉर्मेशन आपको चेंज मिलेगी। आपको इस तरीके से आप लीनियर वेटेड को अप्लाई करते हैं तो भी आपको अलग सी मूवमेंट मिलेगी। तो ये बस मैथमेटिकल फॉर्मूला का फर्क है और कोई फर्क नहीं होता। मूविंग एवरेज चाहे आप कोई भी लगाएं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स के हिसाब से आप अगर ट्रेड करते हो तो आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल होती है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज का फंडा ये हो गया। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो मूविंग एवरेजेस भी आप लगा सकते हैं, तो दो मूविंग एवरेज लगाने के लिए एक मूविंग एवरेज यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई है, दूसरी मूविंग एवरेज को मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। उसको हम 25 पीरियड का यूज कर लेते हैं और उसका कलर रेड कर देते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कौन सी मूविंग एवरेज हमारी फास्ट है और कौन सी स्लो है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंफर्मेशन अगर आपको इस तरीके से चाहिए, तो आप यहाँ पर ग्रीन और रेड देख सकते हो। जो ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज है वो आपकी फास्ट मूविंग एवरेज है, और रेड कलर की जो मूविंग एवरेज है वो आपकी स्लो मूविंग एवरेज है। अब इसके हिसाब से हम ट्रेड कैसे करेंगे दोस्तों? ट्रेड हम ऐसे करेंगे कि जब इनका क्रॉसओवर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो ये क्रॉसओवर आपको देखने को मिल रहा है, जब इनका क्रॉसओवर होता है, तो इस क्रॉसओवर होने के बाद आप यहाँ चेक करते हैं कि कैंडल, जब यहाँ पर क्रॉसओवर के बाद आपको कैंडल क्लोज होती है तो आपको कंफर्मेशन मिल जाता है बुलिश मार्केट का, और उस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। तो बेसिकली अगर आप क्रॉसओवर पे ट्रेड करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो टाइम फ्रेम यूज करें उसे थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करें, जैसे H1 यूज करें या और कोई टाइम फ्रेम यूज करें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में ट्रेड करने के लिए मूविंग एवरेज क्रॉसओवर बहुत अच्छा काम करती है इंस्टेड ऑफ द शॉर्ट टर्म के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि इसमें जो एंट्री मिलती है वो आपको काफी लेट मिलती है, और उसकी वजह से ज्यादा आप उसका मूवमेंट का फायदा नहीं उठा पाते। तो इस तरीके से आप इस मूविंग एवरेज को अगर यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज करनी है तो पैरामीटर्स आप कुछ इस तरीके से यूज करें ताकि आपको इसमें और भी ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल पाए। यानी कि जैसे मतलब 50 का मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म के लिए लगा देता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें बस आपको क्रॉस ओवर का ध्यान देना होता है। क्रॉस ओवर के ऊपर बाइंग होती है और क्रॉस ओवर के नीचे सेलिंग होती है। जैसे क्रॉस ओवर यहाँ पर हो गया, रेड वाली मूविंग एवरेज जो कि स्लो मूविंग एवरेज है वो ऊपर है और ग्रीन वाली नीचे, तो यहाँ पर सेल का ट्रेंड बन गया। अब उसके बाद क्रॉस ओवर हुआ नहीं है तो भी सेल का ट्रेंड कंटिन्यूअस है और आप सेल के ट्रेंड में बैठे रह सकते हैं। जैसे ही आपको क्रॉसओवर ऊपर की साइड मिलेगा तो आप उसमें से निकल सकते हैं। तो अब ये तो हो गया एक चीज, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बेस्ट मूविंग एवरेज किस तरीके से लगानी है, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ना उसके लिए आपको मूवमेंट चेक करनी पड़ती है कि स्टॉक की मूवमेंट किस तरीके से। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट काफी रैंडम होती है। जैसे अगर मैं आपको इसको छोटा करके दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव में तो ये डाउन ही जा रहा है, लेकिन मूवमेंट जो है जिगजैग हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से, ये देखिए जिगजैग 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 चल रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक में ना आपको फास्ट मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए चाहिए, एक लंबे ट्रेंड के लिए मार्केट, जैसे मान लीजिए मैं SBI का चार्ट यहाँ पर लगाता हूँ, तो देखिए आप अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको एक बेटर ट्रेंड दिखाई देगा। आप देख सकते हो इसमें आप एक बेटर ट्रेंड एनालाइज कर पा रहे हो। मूवमेंट जो है जिगजैग ना होने की बजाय यहाँ पर आपको एक ट्रेंडी मूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देखोगे तो कितना अच्छा आपको मूवमेंट यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 850 58 के आसपास बाइंग मिला, और उसके बाद आपको सेलिंग मिला जाके 888 पर। 888 से जो सेल मिला आपका वो जाके कवर अप हुआ आपका यहाँ कहीं पे 858 के आसपास वापस, और फिर उसके बाद आपको जो मोमेंटम मिला वो आपको यहाँ पर मिल जाता है।
तो यहाँ पर प्राइस होगा आपका 875 के आसपास। तो इस तरीके से आपको ना रेगुलर प्रॉफिट्स मिल जाते हैं अगर आप मूविंग एवरेज को ऐसे स्टॉक में लगाते हो जिसमें आपको ट्रेंड स्टॉक ट्रेंड ही नजर आता है, रैंडम नजर ना आए। रैंडम मतलब ज्यादा जिगजैग ना हो, और अगर ज्यादा जिगजैग आपको नजर आ रहे हैं तो आप उसका टाइम फ्रेम चेंज कर दें। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इस टाइम पे आपको थोड़ा जिगजैग 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 थोड़ा दिखाई दे रहा है, हालांकि ट्रेंड आप ही है पूरा, लेकिन अगर इस तरीके के ट्रेंड आपको दिखाई दे तो आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर दीजिए। टाइम फ्रेम को इंक्रीज करने से मूवमेंट जो उसकी और बेटर हो जाएगी, क्योंकि ट्रेंड की जो जिगजैग है वो उसमें कवर अप हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मूविंग एवरेज लगाएं दोबारा 1450, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बेटर ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका बाइंग जोन चालू हुआ और ये ऊपर 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 मार्केट 25-26 रुपए तक चला गया। बेसिकली सबसे अच्छी चीज यही होती है मूविंग एवरेज की, कि इसको एनालाइज करना, इसके थ्रू चार्ट या स्टॉक एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाता है, और आप बहुत आराम से अपना ट्रेडिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो और इजिली इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आपको मूविंग एवरेज पे काम करना सीखना है तो आप चार्ट में इसको लगाइए और इसके अपने हिसाब से इसको पीरियड्स को सेट कीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के ही काम में आपको ऑटोमेशन चाहिए, यानी कि आप चाहते हो कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पे आपका ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाए, आपको खुद ना करना पड़े, बैठना ना पड़े, टाइम स्पेंड ना करना पड़े ज्यादा, तो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एल्गो क्रैब। आप अल्गो क्रैप पर जा सकते हैं, वहां पर आपको 6 दिन के लिए फ्री में यूज करने के लिए मिलेगा मूविंग एवरेज का जो है सब्सक्रिप्शन। आप उसके बाद परचेज कर सकते हैं ट्रायल लेने के बाद, और वहां पर आपको ऑटोमेशन का भी मिल जाता है। उसके लिए काफी सारे वीडियोस हमने बना के रख रखे हैं। तो मूविंग एवरेज का फंडा मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और कोई कंफ्यूजन या क्वेरी हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हो। कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक देख रहे हैं वीडियो। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।